जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो ऋषि हुआ करते थे प्राचीन वैदिक आर्य काल में, वो यज्ञ के दौरान ओपन में पब्लिक के सामने सेक्स किया करते थे, ऐसा हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बाबा साहब अंबेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म खोल ली है और हम चलते हैं इसके पार्ट थर्ड पॉलिटिकल में। और इस पॉलिटिकल पार्ट थर्ड के रिडल नंबर 23, कलियुगा व्हाई हैड द ब्राह्मिन्स मेड इट अनएंडिंग, इसमें चलते हैं। और अब इस रिडल नंबर 23 के उस पर्टिकुलर पैरा में चलते हैं जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। बाबा साहब कहते हैं, अनदर प्रैक्टिस विच एविडेंसेस द रिवोल्टिंग इमोरलिटी ऑफ द ऋषिज इन द चंद योग उपनिषद। According to this Upanishad, it appears that the rishis had made a rule that if while they were engaged in performing a yagga, if a woman expressed a desire for sexual intercourse with the rishi who was approached, should immediately, without waiting for the completion of yagga and without caring to retire in a scheduled spot, proceed to commit sexual intercourse with her in the yagga mandap and in the sight of the public. मतलब बाबा साहब कह रहे हैं कि जो चंदोग्या उपनिषद है उसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई ऋषि यज्ञ कर रहा है, उस दौरान अगर कोई वुमेन उसके पास में आती है और उससे सेक्स करने की डिमांड करती है, अपनी डिजायर रखती है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, तो ये उस ऋषि का कर्तव्य बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इमिडिएटली वहीं पर उसी वक्त सबके सामने यज्ञ मंडप में ही बिना किसी चीज का वेट किए वहीं पर वो उस वुमेन के साथ में सेक्स करे, ऐसा उसकी ड्यूटी बनती है और ऐसा ऋषि किया करते थे। दिस इमोरल परफॉर्मेंस ऑफ द ऋषि वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ अ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड गिवन द टेक्निकल नेम ऑफ वामदेव व्रता। और ये इमोरल परफॉर्मेंस मतलब इस ये इमोरल सेक्सुअलिटी सबके सामने यज्ञ के बीचों बीच सबकी नजरों के सामने ना ऋषि किया करते थे, इसको उन्होंने मतलब काफी हाई पोजीशन दे दी, मतलब काफी रिलीजियसली काफी हाई पोजीशन दे दी कि ऐसा करना मतलब बहुत धार्मिक रूप से बहुत महान कार्य है, और उसको एक टेक्निकल नाम भी दे दिया, वामदेव व्रत। ठीक है, बाद में आगे चलकर इसको रीनेम किया गया और वाम मार्ग बोला गया। तो फ्रेंड्स, की ऋषिज बिल्कुल यज्ञ के दौरान पब्लिक के सामने बिल्कुल खुले में सेक्स करते थे, ऐसा बाबा साहब इस पैरा में बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये कंसेप्ट जो बाबा साहब आपको समझाना चाहते हैं, हमको समझाना चाहते हैं, ये अच्छी तरह से हमें समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।